गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सानू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल द रीडर में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी के करेंट अफेयर्स के बारे में, उसके साथ साथ इसके इतिहास के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर भी, जहाँ पर आपको अपडेटेड मिलते रहते हैं करेंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो इस दोनों के जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद और डी लखनऊ। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, दिल्ली के इंडिया गेट पे इसका आयोजन जो है 13 से 23 फरवरी तक किया जाएगा। अच्छा, मुंबई में अगर आपको याद होगा तो मुंबई में काला घोड़ा फेस्टिवल आयोजित किया गया था, काला घोड़ा। अहमदाबाद में केम्छो ट्रेम का आयोजन करने वाले हैं, केम्छो ट्रंप, जिसका मैंने कल के वीडियो में भी कवर किया था इसको। और लखनऊ में क्या हुआ था? लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में अब कर्मचारी सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी दिल्ली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एक घोषणा की है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब जो उनके यहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सप्ताह में बस 5 ही दिन काम करेंगे और वहाँ 2 दिन छुट्टी मिलेगी सप्ताह में। तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है। महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता ही है, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन है? ए ऋषि सुनक, बी साजिद वाजिद, सी रूबी सिन्हा और डी इनमें से कौन नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऋषि सुनक क्या है? ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री है। इन्होंने साजिद वाजिद का जगह लिया है। साजिद वाजिद, इससे पहले जो ब्रिटेन मंत्री थे साजिद वाजिद थे, उसके जगह ऋषि सुनक आ गए। ऋषि सुनक है कौन एक्चुअली? तो आपको पता हो कि जो इन्फोसिस है उसके जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, जिनको नेम लिखा हुआ मैसेज में। तो नारायण मूर्ति के जो है ये क्या है नारायण मूर्ति के सन इन लॉ है नारायण मूर्ति के ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक को जो है ब्रिटेन का नए वित्त मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 13 फरवरी को हर एक साल वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। इसके साथ साथ 13 फरवरी को हमारा जो सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे भी है इसी दिन, जिनको हम इंडिया के नाइटिंगल के नाम से जानते हैं, नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के अनुसार 2020 में चीन की जीडीपी कितनी रहेगी? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चीन में जो है कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, तो उसके कारण जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने चीन के जीडीपी को फिर से निर्धारित किया है। तो हमारे ऑप्शन है ए 5.4, बी 5.9%, सी 2.3 और डी 2.2%। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 5.4%। इससे पहले जो है इसको जो हम क्या बोलते हैं ई आई यू बोलते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हम बोलते हैं EIU। तो EIU ने क्या किया था, इससे पहले जो उन्होंने अंदाजा लगाया था, उन्होंने बताया था कि ये 5.9% रह सकती है चीन की जीडीपी 2020 में। लेकिन जैसे ही अब देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण जो है बहुत सारा जो बिजनेस ठप हो रहा है, तो उसको घटाकर उन्होंने 5.4% कर दिए हैं। उसके साथ साथ EIU ने जो है पूरे दुनिया की जो जीडीपी है उसको 2.3% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन इसी कोरोना वायरस के कारण इन्होंने इसको भी घटा के पूरी दुनिया की जीडीपी को ये 2.2 कर दिया। ये क्या है? वर्ल्ड जीडीपी है। ये पूरी दुनिया की जो जीडीपी रहेगी ये 2020 में इसका ग्रोथ रहेगा 2.2%।
और ये चाइना की है। कौन सा राज्य पावर बैंकिंग शुरू करेगा? तो सबसे पहले जान लेते हैं पावर बैंकिंग होता क्या है। तो जैसे ही किसी राज्य के पास अपने यूज के हिसाब से, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा जो है बिजली उनके पास इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे राज्य को, जिस राज्य में बिजली की कमी है वहाँ पे वो बिजली उधार देना शुरू करते हैं। बेचते नहीं बल्कि एक तरह से उधार देना शुरू करते हैं। और जब मतलब ये गिव एंड टेक का होता है, मतलब अगर अभी हमारे पास ज़्यादा है, जैसे इसका एक्चुअली ऑप्शन देख रहे थे उसको मैं समझाता हूँ। इसको ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी हरियाणा। तो एक्चुअली क्या है कि चारों के चारों स्टेट में जो है ये पावर बैंकिंग है, लेकिन सबसे लेटेस्ट जो है बिहार में स्टार्ट होने वाला है। बिहार में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बाकी जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में ये पावर बैंकिंग पहले चल रहे हैं, बिहार जो है इसको स्टार्ट करेगा। तो सही ऑप्शन बिहार होगा। तो जैसे मान लेते हैं जैसे बिहार है, तो बिहार ने क्या किया, बिहार ने झारखंड को 200 यूनिट बिजली दिया। अब जब बिहार को जब जरूरत होगी, बिहार क्या करेगा, झारखंड से ये 200 यूनिट बिजली फिर वापस ले लेगा। मतलब बिहार उसे सेल नहीं करेगा, उसको उधार देगा और फिर उससे वो 200 यूनिट बिजली फिर से रिटर्न ले लेगा। तो इसी को हम पावर बैंकिंग बोलते हैं। किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? ए देवाशीष पांडा, बी राजीव कुमार, सी राजीव बंसल और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, देवाशीष पांडा को जो है नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। एक्चुअली क्या, इससे पहले जो राजीव कुमार थे, राजीव कुमार इससे पहले वित्त सचिव थे, तो उनकी जगह देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। और ये जो है 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर, सॉरी आईएएस ऑफिसर, ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर यह है देवाशीष पांडा। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एक्चुअली ये नया एयर इंडिया का चेयरमैन सीएमडी इन्हें नियुक्त किया गया है। तो कौन है, ए राजीव कुमार, बी राजीव बंसल, सी अश्वनी लोहिनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजीव बंसल। राजीव बंसल को जो है एयर इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये जो है संजीव लोहिनी की जगह लेंगे। इसलिए क्या कि संजीव लोहिनी के इस्तीफा देने के बाद ये पोस्ट खाली था, तो उसके जगह जो राजीव बंसल को नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। और ये जो है 1988 बैच का ऑफिसर है, 1988 बैच के ये नागालैंड कैडर के ऑफिसर है राजीव बंसल जी। अब बात करते हैं वन इनका, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है कौन, सत्य नडेला, वो फरवरी 2020 के लास्ट में, मतलब इस मंथ के लास्ट में वो भारत आ सकते हैं। ऐसे संभावना जताई जा रही है कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंप ट्रंप होने वाला है, जो आयोजन होने वाला है, तो उसी में ये आएंगे और नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये फरवरी लास्ट में सत्य नडेला भारत आने वाले हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि जो पुलिस जो है बच्चों को अब लॉकअप में बंद नहीं कर सकती, उसके हथकड़ी नहीं लगा सकती। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पुलिस को मना कर दिया है कि आप बच्चों को जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते और उसे लॉकअप में नहीं डाल सकते। बढ़ते हैं आज के हिस्ट्री की तरफ। तो 14 फरवरी की हिस्ट्री में है, न्यूयॉर्क में आईबीएम की स्थापना हुई थी 1924 में। आईबीएम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो उसकी जो स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी 14 फरवरी के दिन। उसके बाद दुनिया भर में वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है यूट्यूब, उसको 2005 में एक्टिवेट किया गया था। मतलब यूट्यूब को जो है सबसे पहले 2005 में 14 फरवरी के दिन ही स्टार्ट किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के जो महिला राजनीतिज्ञ हैं सुषमा स्वराज, उनका जन्म 1952 में हुआ था। और इनका जो सुषमा स्वराज जी का जो डेथ हुआ था वो 6 अगस्त 2019 को हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था 1952 में हुआ था 14 फरवरी को। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और सैड डे है हमारे लिए कि 2019 में हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी के दिन, और जिसमें हमने अपने देश के 44 वीर जवानों को खो दिया था। और ये मतलब एक बहुत ही सैड डे है हमारे लिए कि हम 14 फरवरी को हमारे देश के ऊपर अटैक होता है, हमारे जवानों के ऊपर अटैक होता है और हम वो जो है मतलब जवान हमारे मारे जाते हैं, हम उन्हें खो देते हैं। तो हम 14 फरवरी को इसलिए भी याद रखते हैं, पिछले साल ही ये हुआ था। चलिए, तो हमारा वीडियो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।